तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो यार, आजकल हमारे यहाँ व्हाइट वाले पीसी बिल्ड्स काफी ज्यादा आ रहे हैं एंड इस वाले पीसी को हम बना रहे हैं अंडर 70,000 रुपीज में। बाकी ये एक इंटेल बेस्ड बिल्ड होने वाला है, यहाँ पे हम एक इंटेल का i5 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे हम एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर भी लगाने वाले हैं, तो स्टॉक कूलर के साथ नहीं जा रहे ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए। बाकी यार ये एक MSI बिल्ड भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने MSI के पार्ट्स काफी ज्यादा यूज किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने MSI का मदरबोर्ड यूज किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमने ग्राफिक कार्ड भी MSI का ही यूज किया है, वो भी एक RTX सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड होने वाला है। एंड इतना ही नहीं यार, यहाँ पे हमने इस बार पावर सप्लाई भी MSI का ही यूज किया है। एंड आप लोग बोल रहे थे कि विवेक भाई पावर सप्लाई यार कूलर मास्टर MSI ऐसे ब्रांड्स का यूज करो, तो भाई फाइनली आप लोगों की मैंने सुन ली है एंड यहाँ पे हम MSI के काफी सारा ज्यादा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एंड कमाल की बात यह है कि यार ये वाले पीसी के अंदर हम 32 GB की रैम यूज करने वाले हैं, तो रैम के ऊपर यहाँ पे हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। एंड केस जैसा कि आप देख ही सकते हो, एक काफी ज्यादा खूबसूरत सा केस लगाने वाले हैं। ये है हमारा सर्कल की तरफ से आने वाला उनका ड्यूअल चैम्बर वाला कैबिनेट, व्हाइट कलर का कैबिनेट है। बाकी यहाँ पे सारे पार्ट्स हम ब्लैक यूज करने वाले हैं, हालांकि यहाँ पे केस भी हम ब्लैक ही यूज करने वाले थे, बट ब्लैक भाई स्टॉक में नहीं था तो यहाँ पे व्हाइट से काम चला रहे। बाकी अगर आपको भी बनाना था इस तरह का कुछ गेमिंग एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग पीसी, तो ये रहा हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर जो कि है 9986847750। यहाँ पे जाके बातचीत करके कोटेशन लेके यहीं से आप भी अपना पीसी ऑर्डर कर सकते हो। बाकी हम पैन इंडिया शिपिंग करते हैं यार, आपके पीसी को आपके डोरस्टेप तक डिलीवर करवा देंगे। एंड अगर आप सूरत गुजरात से हो तो हमारे ऑफलाइन स्टोर पर विजिट करके भी अपना पीसी बनवा सकते हो। हमारे ऑफलाइन स्टोर की गूगल मैप वाली लोकेशन आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अरे यार अभी तक आप लोग विंडोज का अनएक्टिवेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं, मतलब भाई 400-500 रुपए के लिए क्यों रिस्क लेना यार। आप लोगों को VIP कीज पे 400-500 रुपए में विंडोज की रिटेल एंड OEM कीज मिल जाती है, तो 500 रुपए में आपका जो पीसी वो एकदम सिक्योर एंड सेफ हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TC350, तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फटाफट से जाओ यार डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से, फटाफट से रिटेल या OEM की बाई कर लो, इनकी वेबसाइट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दी। तो अब एक एक करके आप लोगों को फटाफट से यार इस वाले पीसी के पार्ट्स के बारे में बता देता हूं, उसके बाद आराम से इस वाले पीसी को बिल्ड करते रहेंगे। अब प्रोसेसर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटेल का i5-12400F यूज करने वाले हैं, 6 कोर 12 थ्रेड आपको देखने मिल जाता है। स्टॉक कूलर फ्री में देखने मिलता है, अंडर 10,000 काफी अच्छा खासा प्रोसेसर है। स्टॉक कूलर के साथ यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे हमने लगाया है i612 एयर कूलर जो कि हमारा एंटी स्पोर्ट्स का ARGB AIO है, 120mm का फैन मिल जाता है, 6 आपको प्रॉपर कॉपर की हीट पाइप मिल जाती है, तगड़े हीट डिसिपेशन के लिए। बाकी ये आप लोगों को यार 1000 से 1500 रुपए के आसपास ही देखने मिल जाएगा, तो ये वाला हम एयर कूलर लगाएंगे। वही मदरबोर्ड के लिए गाइस, यहाँ पे हमने ये वाला बोर्ड लगाया है, ये हमारा MSI की तरफ से आने वाला उनका प्रो B760ME मदरबोर्ड, DDR4 वाला मदरबोर्ड है। यहाँ पे आपको 2 RAM स्लॉट एंड Zen 4 का सपोर्ट देखने मिल जाता है, ये भी आप लोगों को अंडर 10,000 रुपीज में देखने मिल जाएगा, तो ये वाला हम मदरबोर्ड लगाने वाले हैं। वहीं ग्राफिक कार्ड के लिए यहाँ पे यार ये वाला कार्ड काफी ज्यादा लोग ऑर्डर कर रहे हैं भाई, मतलब ये वाले कार्ड के साथ बिल्ड कर करके मैं भी पक चुका हूँ यार। ये हमारा MSI की तरफ से आने वाला उनका RTX 4060 Ventus 2X OC एडिशन, ब्लैक कलर का ग्राफिक कार्ड है, ड्यूअल फैन एडिशन वाला ग्राफिक कार्ड है, 4 डिस्प्ले पोर्ट यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। बाकी OC एडिशन है तो नॉर्मल के कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा फ्री में निकाल के देता है, एंड ये यार नॉर्मल वाले कार्ड से थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आता है, तो ये वाला हम कार्ड लगाएंगे एंड गेमिंग एडिटिंग स्ट्रीमिंग सारा कुछ आपको ये करवा देगा। बाकी रैम के लिए यहाँ पे हमने XPG का D45 लगाया है, 16 GB का 2 स्टिक लगा रहे हैं, यानी कि टोटल 32 GB लगा रहे हैं। हीट सिंक वाली रैम है, ब्लैक कलर की रैम है, तो रैम यहाँ पे हम ये लगाएंगे एंड रैम के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है गाइस। वहीं स्टोरेज के लिए यहाँ पे हमने 1 TB का स्टोरेज लगाया है, ये हमारा 1 TB का NVMe XPG का S60 एंड ये Zen 4 वाला NVMe है, काफी कमाल की यहाँ पे आपको रीड एंड राइट स्पीड मिल जाती है, तो 1 TB यार इनफ रहेगी इस वाले बिल्ड के लिए, कोई सेकेंडरी हार्ड ड्राइव नहीं लगा रहे। लास्ट में पावर सप्लाई यहाँ पे हमने एक MSI का लगाया है जो कि हमारा मैग A650BNPSE है, 80+ ब्राउन सर्टिफाइड PSE है, काफी अच्छे से केबल्स को इन्होंने यार टाई करके दिया, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको डिसेंट सा पावर केबल भी मिल जाता है, तो ये वाला हम पावर सप्लाई लगाएंगे इस बिल्ड के लिए, मोर देन इनफ होने वाला है। लास्ट में केस यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये हमारा सर्कल की तरफ से आने वाला उनका ZX3। अब देखो फ्रंट में 2 फैन मिलता है, 1 रियर में देखने मिल जाता है, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको दोनों साइड ग्लास मिलता है, इस साइड भी
एंड काफी डिसेंट सा लुक आपको ऑफर करवा देता है। ऊपर आपको 360mm तक के AIO का सपोर्ट देखने मिल जाता है। बढ़िया सा कैबिनेट है ये, आप लोगों को यार अंडर 6000 देखने मिल जाएगा। तो इन सभी पार्ट्स का यूज करके हम इस वाले पीसी को बिल्ड करने वाले हैं। अब चलो फटाफट से यार इस वाले पीसी को बना लेते हैं एंड उसके लिए मैं कर लेता हूँ कैमरा एंगल को चेंज। सो ऑल सेट गाइस, फटाफट से सबसे पहले यार मदरबोर्ड को कर लेंगे अनबॉक्स। अब यहाँ पे जितने भी पार्ट है ना, सारे ही पार्ट्स के अंदर आपको सील विल मिल जाती है, सीरियल नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप हमारे यहाँ पीसी बनाते हो तो भाई ट्रांसपेरेंसी फुल मेंटेन रहती है। तो एज यूजुअल यहाँ पे हम अपने सील को ओपन कर लेते हैं एंड MSI के ज़्यादातर पार्ट्स में ना, मदरबोर्ड्स में आप लोगों को यहाँ पे भी सील मिलती है, देख रहे हो अंदर भी। तो इसको भी ओपन कर लो एंड अगर आप कहीं से भी पीसी बिल्ड करवा रहे हो ना, तो यार मेक श्योर, ध्यान रखो कि यार पीसी आपके आंखों के सामने ही बिल्ड हो तो अच्छा रहता है। एंड यहाँ पे ये रहा हमारा मदरबोर्ड, दो रैम स्लॉट, NVMe का स्लॉट मिल जाता है एंड PCI स्लॉट मिल जाता है। बाकी यार बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम निकाल लेते हैं, जैसे कि हमारा ये IO शील्ड जो कि बाद में काम आने वाला है एंड NVMe का जो स्क्रू है वो अभी काम आएगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। एंड अगेन मदरबोर्ड के बॉक्स को हम संभाल के रखने वाले हैं क्योंकि यार जो बाकी का काम काज है ना वो हम इसी डब्बे के ऊपर ही करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल है, इसको संभाल के रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड निकाल लिया है हमने एंड अब हम यहाँ पे अपने प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे। एंड उससे पहले यहाँ पे जो ब्लैक वाली प्लास्टिक है ना, इसको निकालना जरूरी है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब अगर आप चाहो तो इसको निकालो नहीं, डायरेक्ट ही आप अपने प्रोसेसर को लगा के बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ये आपके ऊपर आप किस तरह से निकालना चाहते हो। अब यहाँ पे मैं पहले निकाल लेता हूँ एंड एरो की को देख लेता हूँ। एरो की यहाँ पे आपको दिख जाएगी क्योंकि एरो की को देखते हुए आपको प्रोसेसर को इंस्टॉल करना है। एंड यार मेक श्योर कि इसको टच मत करना क्योंकि यहाँ पे पिन है, अगर ये डैमेज हो गई ना तो भाई वारंटी में भी कवर नहीं होगा, तो इसको टच ना करो तो अच्छा है। एंड आफ्टर दैट अपने प्रोसेसर को मैं फटाफट से अनबॉक्स कर लेता हूँ एंड आराम से उसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा। तो ये रहा हमारा 12400F। अगेन यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सील विल प्रॉपर, सीरियल नंबर वंबर सब कुछ। अब ये सील विल हम लोग वीडियो में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जिसका पीसी है ना वो भाई को संतुष्टि रहे कि यार हाँ सारा कुछ ब्रांड न्यू ही यूज हो रहा है एंड वीडियो के अंदर सील ओपन हो रही है। तो ये रहा हमारा 12400F। अगेन मैं इसको फटाफट से अनबॉक्स करके सीधा इंस्टॉल कर लूंगा एंड एरो की को आपको देख लेना है। एरो की को देखते हुए सेम डायरेक्शन में आपको आपका जो प्रोसेसर है उसको रख देना है एंड उसके बाद आराम से लीवर को बंद कर देना है। दैट्स इट, आपका जो प्रोसेसर है वो हो गया इंस्टॉल। तो एकदम इजीली इस तरह से आप अपने प्रोसेसर को इंस्टॉल कर सकते हो जैसा कि हमने कर दिया है। एंड यहाँ पे स्टॉक कूलर जो फ्री में आता है फिलहाल के लिए इसका यूज हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे आफ्टर मार्केट एयर कूलर के साथ जाने वाले हैं। एंड इसके बाद गाइज अपने NVMe को मैं फटाफट से इंस्टॉल कर लेता हूँ जो कि हमारी, एंड अगेन देख लो इसका भी सील विल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। फटाफट से मैं इसको भी कर लेता हूँ अनबॉक्स एंड इसको भी कर लूंगा सीधा इंस्टॉल NVMe वाले स्लॉट में। अब इसके साथ आप लोगों को हीट सिंक भी मिल जाती है जो कि अच्छी बात है एंड हीट सिंक आपको सिल्वर कलर में मिलती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करने वाली है क्योंकि हमारा जो कैबिनेट है वो व्हाइट कलर है तो अच्छा लगेगा देखने में एटलीस्ट ये। तो ये रहा हमारे हीट NVMe का स्लॉट। अब इसके लिए जो स्क्रू हमने निकाला था ना वो अभी काम आएगा, तो उसको मैं फटाफट से ये रहा अनबॉक्स कर लेता हूँ। अच्छा हुआ हमने इसको कहीं इधर उधर नहीं रखा। तो NVMe को हमने गाइस निकाल लिया है एंड इसको हम लगा लेंगे यार तीसरे वाले स्लॉट में, ये वाले स्लॉट में ये लग जाएगा एंड उसके बाद इसी के ऊपर हमारा जो NVMe है ना वो फिक्स होने वाला है। ये लगाना जरूरी है तो इसको हमने लगा दिया। एंड अब आप लोग देखो आपको सिंपली आपको NVMe लेना है एंड ये स्लॉट में सिंपली थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आपका जो NVMe है वो लग जाएगा एंड यहाँ पे आपको सिंपली स्क्रूज को टाइट कर देना है। दैट्स इट, आपका जो NVMe है लग जाएगा। एंड जो ये वाला स्क्रू आता है ना ये छोटे स्क्रू ड्राइवर से ही फिक्स होगा, तो अगर आप बिल्ड कर रहे थे तो छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आपके साथ रखना क्योंकि बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से NVMe। तो गाइस यहाँ पे मैंने NVMe को भी लगा दिया है एंड इसको फिक्स भी कर दिया है। एंड अब यार अपने रैम को भी मैं लगा ही लेता हूँ लगे हाथ। तो ये रहा हमारा 32GB वाला रैम जो कि XPG का रैम है, इसको भी फटाफट से मैं अनबॉक्स कर लूँगा एंड एक एक रैम को मैं एक एक स्लॉट में लगा देता हूँ। एंड 32GB यार इनफ है, मतलब आपको 32GB से आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाले केस में ये वाला एंड इस वाले केस में ये भाई पीसी यूज़ करने वाले हैं गेमिंग एंड एडिटिंग के लिए, तो आराम से यार इसके ऊपर आप 1080p पे तो अल्ट्रा लेवल की गेमिंग कर ही सकते हो। साथ ही साथ में ये 4K में वीडियो एडिटिंग भी करवा देगा, मतलब जब आप 4K में वीडियो एडिटिंग करते हो ना तो भाई रैम की कमी महसूस होती है, तब 16GB में काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे दूसरा रैम मैंने निकाला एंड होल्स को मैच करते हुए दूसरे रैम को मैं फटाफट से कर देता हूँ इंस्टॉल। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो काम था ये ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। प्रोसेसर लग गया है, रैम लग गया है, NVMe लगा दी है एंड एक चीज़ भूल रहे हैं, NVMe का जो हीट सिंक है ना उसको भूल रहे हैं। तो हीट सिंक को मैं फटाफट से ग्लू निकाल के इसके ऊपर लगा देता हूँ ताकि इसको NVMe को हमारे ये ठंडा रख सके, कूल रख सके। तो ये रहा हमारा हीट सिंक एंड ये भी लग गया है नाउ। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा क्लीन सा लग रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ हम भूल रहे हैं, यहाँ पे हमें आफ्टर मार्केट एयर कूलर भी लगाना है जो कि हमारा ये एंटी स्पोर्ट्स का एयर कूलर। अब इसको मैं फटाफट से अनबॉक्स कर लेता हूँ। अब एयर कूलर यार 6 कोर वाले प्रोसेसर के साथ लगाना काफ़ी अच्छी चॉइस रहती है अगर आपका बजट कम है। लिक्विड कूलर के साथ आप नहीं जा सकते हो, तो एयर कूलर यार वहाँ पे काफ़ी अच्छे रोल प्ले करता है
कम बजट में आपको तगड़े लेवल की परफॉर्मेंस ऑफर करवा देता है, देखने में भी अच्छा ही लगता है। देखो 120mm का फैन है, पहले मैं सोच रहा था इसको भी व्हाइट कर दूं, बट फिर मैंने सोचा कि यार रहने देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे पीछे सिल्वर कलर की आपको फिन्स देखने मिल जाती है, साथ ही साथ में प्रॉपर कॉपर की हीट पाइप मिल जाती है ये रही। एंड ये पॉलीथीन निकाल के लगाना, क्योंकि अगर आप पॉलीथीन नहीं निकाल के लगाओगे ना तो भाई आपका जो एयर कूलर है वो अच्छे परफॉर्म ही नहीं करेगा, मतलब आपके सीपीयू को कूल ही नहीं करेगा, रन तो करेगा बट कूल नहीं करेगा। तो एयर कूलर यहाँ पे लगाने के लिए हमें ये सारे स्क्रूज मिल जाते हैं, बैक प्लेट्स एंड ऑल। तो फटाफट से मैं एयर कूलर को भी कर लेता हूँ इंस्टॉल, एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए ये वाले ब्लैक बैक प्लेट का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एंड ये जो येलो कलर का टचअप दिया ना, ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है यार, इनको कोई और कलर नहीं मिला, रेड कर लेते कुछ और कर लेते। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यार बैक प्लेट को इंस्टॉल कर लेता हूँ पीछे। सो गाइस बैक प्लेट को हमने लगा दिया है, अब बाकी के जो स्क्रूज है ना उनको हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो एयर कूलर है वो यहाँ से हिले विले नहीं, यहीं पे फिक्स हो जाए एक ही जगह। एंड LGS 1700 के लिए ये बड़े वाले लगेंगे आई गेस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फैंस को निकाल देता हूँ, क्योंकि ये एयर कूलर लगाएंगे ना हम, तो ये यार बीच में आते हैं, इनको फिलहाल के लिए मैं निकाल के साइड पर रख देता हूँ। एंड अगर आप लोग चाहो तो इस एयर कूलर में एक और एक्स्ट्रा फैन पीछे लगा सकते हो कुछ इस तरह से, अगर आपको लगाना हो तो, बाकी नहीं लगाना है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये है वो स्क्रूज जो कि लगने वाले हैं यहाँ पे एयर कूलर के ऊपर लगेंगे, ये यहाँ पे लगेंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट भी देखने मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पेस्ट का इस्तेमाल करना जरूर करना यार, तो पेस्ट का इस्तेमाल करना मत भूलना। एंड यहाँ पे आप लोगों को ये एक मैनुअल भी देखने मिल जाता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। जैसा कि अगेन मैं देख लेता हूँ LGS 1700 का यहाँ पे इंस्टॉलेशन कैसा है, हालांकि हम लोग डेली यूज़ करते हैं बट भूल जाते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी सारे एयर कूलर्स आते हैं, सबको याद करना काफ़ी मुश्किल है। सो गाइस यहाँ पे हमने अपने एयर कूलर को रेडी कर लिया है, ये सिंपली कुछ इस तरह से इसके अंदर लग जाएगा। एंड बिफोर दैट इसको लगाने से पहले यहाँ पे हम अपने रैम को यार निकाल लेते हैं, रैम को हम बाद में लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे ये बीच में आ रहा है, एंड हमें है ना थोड़ा सा अच्छा खासा स्पेस चाहिए काम करने के लिए। हालांकि ये जो पेस्ट है ना भाई, इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसकी वजह से इसको हम नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे अपना वाला फेवरेट पेस्ट लगाएंगे जो कि यार हमने परचेस कर रखा है कूलर मास्टर का। एंड ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगा के दे देते हैं, ये हमारा क्रायोफीस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेस्ट है, तो इसको मैं लगा लेता हूँ प्रोसेसर के ऊपर। एंड उसके बाद अपने एयर कूलर को हम कर लेंगे इंस्टॉल, तो पेस्ट को हमने लगा दिया है। एंड आफ्टर दैट अपने एयर कूलर को मैं फटाफट से यार इसके ऊपर लगा देता हूँ, यानी कि इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड हमारी बैक प्लेट है ना वो हिल गई है, तो ये गया हमारा एयर कूलर। एंड मैं चारों स्क्रूज को फटाफट से कर देता हूँ टाइट। सो गाइस यहाँ पे हमारा एयर कूलर इंस्टॉल हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड विथआउट फैंस भाई अजीब लगता है यार ये, तो फटाफट से मैं फ़ैन को भी इसके अंदर लगा देता हूँ, फ़ैन को भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। फैंस की जो क्वालिटी है ना उतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे, हालांकि इसके प्राइस को देखते हुए भाई ज़्यादा हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो फ़ैन को मैं फटाफट से कर लूँगा इंस्टॉल। एंड फैन लगाने से पहले यहाँ पे अपने रैम को लगा लेते हैं, ताकि हमें बाद में रैम को वापस से निकालना ना पड़े। तो ये रहा हमारा रैम, अब रैम को हमने निकाल दिया था यार, क्योंकि हमें स्पेस कम लग रहा था यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्पेस काफ़ी है यार, तो चिंता की बात ही नहीं है, आप लोगों को आराम से यार एयर कूलर लगाने के लिए स्पेस मिल गया। तो गाइस ये जो हमारा मदरबोर्ड है ना यहाँ पे, इसका जो कामकाज है वो कंप्लीट हो गया है। एंड लुक एट दिस, काफ़ी क्लीन लग रहा है। अब यहाँ पे हम इसको फटाफट से डाल देते हैं कैबिनेट के अंदर, तो वो वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा केस, अब फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। एंड यार अपने मदरबोर्ड को जो अभी हमने रेडी किया था उसको भी मैं इसके अंदर इंस्टॉल हमें करना है। इसका सबसे पहले मैं ग्लास निकाल लेता हूँ, एंड ग्लास को यार हमें संभाल कर रखना होगा। इसके बॉक्स के अंदर हम ग्लास को आराम से रख देते हैं। पीछे का पैनल भी मैं इंस्टॉल कर ही लेता हूँ, और इंस्टॉल बोल रहा हूँ यार, अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ मैं पीछे का पैनल भी, हम यहाँ पे केबल मैनेजमेंट कर पाएंगे। एंड ये रहा पीछे का पैनल, एंड यहाँ पे आपको वेंट्स मिलते हैं यार, एयर वेंट, अच्छे एयर फ्लो के लिए, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये जो ड्यूअल फिश टैंक डिजाइन वाले केसेस आते हैं ना, इनके अंदर भाई इतना अच्छा एयर फ्लो आपको नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को जिप टाइज, स्क्रूज, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो इसको मैं फिलहाल साइड पे रखूँगा। एंड सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी आयो शील्ड को कर लेंगे इंस्टॉल, जो कि हमें मदरबोर्ड के बॉक्स में हमें फ्री में मिली थी। एंड ये सीधा पीछे चली जाएगी, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ जल्दी से, इसको मैं लगा देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। एंड आजकल मुझे ये इंस्टॉल बोलने की आदत लग गई है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं कोई। तो आयो शील्ड हमने लगा दी है, अब यहाँ पे बारी आती है अपने मदरबोर्ड को लगाने की। तो मदरबोर्ड को भी मैं फटाफट से इसके बाद लगा लेता हूँ, बट उससे पहले अपने स्क्रू ड्राइवर वाला स्क्रूज को मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड कुछ नेसेसरी स्क्रूज मैं निकाल भी लूँगा लगे। सो गाइस यहाँ पे हमने सारे स्क्रूज को ऑलमोस्ट लगा ही दिया है। एंड अब यार हम आराम से पीछे का फ्रंट पैनल जो कनेक्शन है ना,
यानी कि ये जो फ्रंट पैनल वाले केबल्स हैं इनको मैं आगे लगा देता हूँ ताकि हमारा जो पीसी है वो ऑन हो सके, बिकॉज बिना फ्रंट पैनल के कनेक्शन के अगर आपने पीसी सही से बिल्ड भी किया है ना तो भी आपका पीसी ऑन होगा ही नहीं। तो मेक श्योर कि यार फ्रंट पैनल का कनेक्शन आप अच्छे से कर लो ताकि आपका पीसी ऑन हो सके प्रॉपरली। एंड ये जो हमारे फैन वाले केबल है यानी कि एयर कूलर वाले केबल है ना, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये काफ़ी यहाँ पे लड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना यूएसबी कनेक्शन भी मैं कर देता हूँ ताकि हमारा फ्रंट आगे का जो यूएसबी पोर्ट है ये सभी काम कर सके, वर्क कर सके। एंड इन्हें मैं पीछे से निकाल देता हूँ ताकि क्लीन लगे हमारा ये फ्रंट वाला सेक्शन। ओके, तो ये गया हमारा ऑडियो कनेक्शन एंड ये हमारा यूएसबी वाला केबल, ये भी मैं फटाफट से लगा ही देता हूँ। पीसी बिल्ड करने में यार ये केबल वाले जो काम है ना इसी में थोड़ा सा वो होता है, बाकी तो यार काफ़ी ईजी है। लोगों ने इसको फालतू में यार इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर रखा है, पीसी बिल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने यूएसबी कनेक्शन को भी लगे हाथ कर देते हैं। एंड अब बारी आ गई है हमारे फाइनल फ्रंट पैनल वाले कनेक्शन की करने की, जो कि ये रहा। एंड इसमें ही लोग यार अटकते हैं, तो मैं फ्रंट पैनल कनेक्शन भी कर देता हूँ फटाफट से। एंड इनको चाहो तो यार इन सभी केबल्स को आप नीचे से निकाल सकते हो, बट नीचे से मैं नहीं निकालता हूँ बिकॉज वहाँ पे यार विजिबल रहते हैं। एंड ब्लैक कलर वाले पीसी में अगर आप ब्लैक कलर के केबल काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेंगे ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं इन्हें पीछे से निकालना प्रीफर करता हूँ ताकि ये देखने में क्लीन लगे हमारा पीसी ओवरऑल, एंड ऐसा लगे कि हाँ कहीं किसी प्रोफेशनल के पास आपने बिल्ड करवाया है। ठीक है, तो केबल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पीछे वाले केबल्स हैं वो ऑलमोस्ट हमने सारे कनेक्शन को कर दिया है। एंड अब बारी आती है यार पावर सप्लाई को लगाने की, जो कि हमारा ये MSI का PSU है, तो मैं फटाफट से इसको भी मैं यार अनबॉक्स करके लगा देता हूँ पीछे, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के हमारा जो पीसी है वो ऑन तो होगा ही नहीं, पावर तो यही प्रोवाइड कराएगा ना। पावर सप्लाई मेक श्योर कि आप एक अच्छे ब्रांड का लो, एटलीस्ट 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड PSU लो ताकि आपका जो पीसी है वो लंबा चल सके, लंबा साथ दे सके आपको। MSI का PSU मुझे पसंद इसलिए आता है ना, उसका रीज़न आपको मैं दिखाता हूँ अभी, दो मिनट दो मुझे। ओके, तो देखो रीजंस ये है, सबसे ज़्यादा अच्छा रीज़न ये है कि यहाँ पे ये लोगों ने है ना टाई करके दिया है केबल्स को, आपको जिप टाई लगा के दिया है, तो केबल्स काफ़ी ज़्यादा यार हाइड हो जाते हैं ईजिली, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए मुझे ये PSU काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब इसको सीधा PSU श्राउड में मैं जाने देता हूँ एंड यहाँ पे मैं चारों स्क्रूज को फटाफट से लगा दूंगा। ये रहे स्क्रूज भी यहाँ पे आपको इसके साथ मिल जाते हैं, हालांकि ये स्क्रूज तो आपको सारे PSU के साथ ही मिल जाते हैं। सो गाइस, पावर सप्लाई को हमने यार PSU श्राउड के अंदर लगा दिया है, फटाफट से इतने सारे जो केबल्स हैं ना इनको भी मैं अंदर लगा देता हूँ। सबसे पहले हम अपना 28-पिन कनेक्टर लगाएंगे, ये वाला केबल जो कि हमारे मदरबोर्ड में लग जाएगा कुछ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम अपने मदरबोर्ड को पावर देने के लिए जो CPU केबल आता है ना उसको लगा देते हैं ऊपर के साइड, हालांकि यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है ये फिन्स की वजह से, एंड अगर इसको मैं ध्यान से नहीं लगाऊंगा ना तो मेरे हाथ भी कट सकता है हाथ मेरा। फाइनली इस वाले केबल को भी लगा दिया है, जो हमारा PCI वाला केबल है इसको भी मैं लगे हाथ अभी यहीं से बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि हमें ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगाना है एंड उसको पावर देने के लिए ये वाला केबल चाहिए होगा हमें, तो पहले ही बाहर निकालने में समझदारी होती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने ज़्यादातर केबल्स को तो लगा दिया है एंड अब यहाँ पे हम अपने फैंस के केबल्स को भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो PC है उसके फैंस ऑन हो सके, यानी कि इनको हम पावर दे देते हैं। एंड एक चीज़ मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, हमने यार अभी अपने एयर कूलर वाले केबल को भी पावर नहीं दिया है, तो उसको भी मैं पावर दे दूंगा ताकि उसके फैन भी रन हो सके। सो ऑलमोस्ट गाइस सारा कुछ यहाँ पे हमने कर दिया है, अब लास्ट में यार अपने ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करने की बारी आ ही गई है, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस वाले PC बिल्ड का। तो फटाफट से मैं यार अपने RTX 4060 को भी कर लेता हूँ अनबॉक्स, एंड एज यूजुअल सीरियल नंबर ये सब आप देख लो, एंड मैं फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ एंड उसको भी इंस्टॉल हम कर देंगे। तो ये रहा हमारा प्यारा सा ग्राफिक कार्ड, एंड ये ग्राफिक कार्ड यार इस पूरे PC बिल्ड का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट है। तो ये देखो ब्लैक कलर में काफ़ी प्यारा लगता है, साथ ही साथ में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे पॉलीथीन भी मिल जाती हैं लगी हुई, जिनको मैं फटाफट से यार निकाल देता हूँ। एंड पीछे बैक प्लेट पे भी आपको पॉलीथीन मिल जाती है, तो इसको मैं रहने देता हूँ। एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये यहाँ से इसको एक पैनल को निकालना पड़ेगा तभी ये इंस्टॉल होगा, तो मैं ये पैनल तोड़ देता हूँ, निकाल देता हूँ। एंड एक बार जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, फ्रंट सबसे ऊपर वाला ही निकलेगा। अब अपने ग्राफिक कार्ड को मैं लगा दूंगा यहाँ पे, इंस्टॉल कर लूँगा। तो वह ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लग गया है एंड अपने PCI केबल से मैं इसको पावर भी दे देता हूँ लगे हाथ। ऑल सेट, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सारा काम कर दिया है एंड यहाँ पे हम अपने ग्राफिक कार्ड के अंदर एक स्क्रू भी मार ही देंगे।
केबल मैनेजमेंट करने से पहले, क्योंकि देखो हालत इसकी है खराब है, यहाँ पे केबल मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा डिफेंस से, बट उससे पहले यहाँ पे इसको ऑन करके देखते हैं कि यार सब कुछ हमने सही से किया भी है या नहीं, कुछ गलती है तो उसको अभी हम फिक्स कर ले, बाद में यार हमें गलती अगर मिलेगी तो भाई पीछे का पैनल खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अपना पावर केबल जो कि ये रहा, एंड इसको मैं लगा के ऑन करके देख लेता हूँ अभी। सो ऑल सेट गाइस, फिंगर्स क्रॉस, एंड यहाँ पे मैंने इसको किया टर्न ऑन। सो पीसी हमारा ऑन हो गया है एंड यहाँ पे सब कुछ सेट है, एंड यहाँ पे कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हो, एंड हमने इस वाले फैन के इसको भी सिंक कर दिया है आरजीबी को, यानी कि एक ही कंट्रोल से, एक ही बटन से सारे फैंस के आरजीबी को आप कंट्रोल कर पाओगे कुछ इस तरह से, एंड ओवरऑल देखने में यार काफी ज्यादा खूबसूरत सा ये लग रहा है। तो यहाँ पे मैं रेड कलर रख देता हूँ यार, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो फाइनली गाइस, पीसी हमारा हो चुका है रेडी, एंड अगर आपको ये वाला पीसी पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को कर देना लाइक, एंड इसी तरह का कुछ पीसी वीसी बनवाने के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना, जिनका कांटेक्ट नंबर ये रहा 9898684750। हम पैन इंडिया से पिंग करते हैं, बाकी अब इस वाले पीसी में प्रॉपरली केबल मैनेजमेंट करके पैक करके विंडोज एंड गेम इंस्टॉल करके इसको हम भेज देंगे यूकुब भाई के पास। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखूंगा, मैं भी मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।